जजेस आपको पता है, अरे ये तो गहरी सोच में डूबे हैं, और विशाल अरे ये भी हो, कभी आपने सोचा है कि हमारे महान जजेस क्या सोचते होंगे? अनु जी सोच रहे होंगे कि आज अभी तक किसी ने मुझे स्टेज पर डांस नहीं करवाया, और फारा सोच रही होंगी अनु की शायरियों को वो एक डायरी में लिखे और अपने हाथों से उसे 2 गज जमीन के नीचे तपना दे। मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे होगे कि काश कभी मैं कुछ सोच पाता। वाह 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 मोना, सब बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पर है। डैम गुड, थैंक यू थैंक यू। वैसे हमारी अगली क्वार्टर फाइनलिस्ट के साथ 10 सेकंड बिता दो ना तो जिंदगी का हर निशाना सही लगेगा। वो तो है साक्षात कलयुग की लेडी अर्जुन, हिंदुस्तान की हर नारी का गर्व, जयलक्ष्मी। मेरा नाम जयलक्ष्मी है। मैंने लास्ट टाइम ये शो में परफॉर्म किया था एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी करेगा। मैंने अच्छा किया, जजेस रिएक्शन वाज रियली गुड। मैं चंद्रपुर से आई हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर आई डोंट गेट एनी एनकरेजमेंट। आई हैव फुल एनकरेजमेंट फ्रॉम माय फैमिली। स्कूल वाले दे नेवर यूज टू सपोर्ट मी, दे यूज टू से या तो आर्चरी करो या फिर स्कूल में जाओ एग्जाम दो। सो मैंने सोच लिया मैं आर्चरी करूँगी, और मैं 2016 नहीं हुआ तो 2020 में ओलंपिक गोल्ड लेकर आऊँगी। जयलक्ष्मी पहले तो तुम अपना नाम चेंज कर दो, और आज से तुम्हारा नाम है लेडी अर्जुन, क्योंकि जैसे अर्जुन ने पानी में देख के मछली की आंख मारी थी वैसे तुम मिरर में देखकर शूटिंग कर रही थी यार। एंड इट वाज मतलब स्पॉट ऑन, जिसे बोलते हैं स्पॉटलेस, तो एक होता है स्पॉट ऑन परफॉर्मेंस ही। थैंक यू सो मच। वो वाला बलून तो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा होगा जो ब्रिक वॉल के पीछे था, तो वो कैसे तुमने निशाना लगाया? मिरर से रिफ्लेक्शन देख, वो भी मिरर से रिफ्लेक्शन देख के। माय गॉड, बट जयलक्ष्मी आज तक जितने भी हमारे शो में आचर्स आए हैं, यू आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। थैंक यू मैम। अच्छा अनु जी, आपने तो एरो पकड़ लिया। देखिए मैंने एक्चुअली इस तीर को एज अ मेमेंटो रखा है मैंने। Jaya, you were supremely outstanding. This is one of the best performances I've seen on entertainment. Kuch bhi karega, and that credit goes to you. Fantastic. Aapke dad aaye hain saath mein?
पिछली बार अपनी बेटी का परफॉर्मेंस टीवी पे देखकर आपकी फैमिली और चंद्रपुर के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? I can't express the feelings over here. Actually, I am dead against viewing TV. Till now, I don't have TV in my house. तो उस दिन मेरे दोस्त लोग, चंद्रपुर इज 23 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर हाउस, दोस्त लोग कॉल किए थे, अरे यार तुम्हारे घर में कैसे भी टीवी नहीं है, हमारे घर में डिनर पे आ जाओ और देख सकते हैं करके. तो हम वहाँ पर गए थे और मैं ऑलमोस्ट सिंस 8:30 मैं रस्ते में था. वहाँ से मुझे कॉल्स आने लग गया टिल 10:30 क्वार्टर टू 11 तक. तभी मेरा दोस्त कॉल करके घर में मैं बताया, भैया कल मेरे को एक टीवी भेज देना. वेरी गुड, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जयलक्ष्मी, थैंक यू सो मच.